टी20 वर्ल्ड कप 2024 में आज सुपर 8 की आखिरी और अंतिम टीम का ऐलान हो गया है। भारत के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले की दो टीमों के नाम तो पहले ही सामने आ चुके हैं। आज बांग्लादेश तीसरी टीम बन गई है जिसके अगले दौर में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम भिड़ेगी। आज बांग्लादेश ने नेपाल पर 21 रन से जीत दर्ज कर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो वही नीदरलैंड की टीम भी श्रीलंका से बुरी तरह से हार गई है और ऐसे में बांग्लादेश को ग्रुप डी से अगले दौर में जगह बनाने से ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका पहले ही अपनी जगह बना चुकी है। भारतीय सहित सुपर 8 में जगह बनाने वाली सभी टीमों को 3-3 मैच खेलने हैं। 3 में से कम दो मुकाबले जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। भारत सुपर 8 के ग्रुप 1 का हिस्सा है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आपस में मुकाबला खेलेंगी। रोहित शर्मा एंड कंपनी को अब सुपर 8 में अपना अगला मैच 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। फिर बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी और अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जून को टीम इंडिया को तीसरा और आखिरी सुपर 8 मैच खेलना होगा। ये सभी मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। भारत की टीम में लीग स्टेज पर सबसे पहले आयरलैंड को 8 विकेट से मात दी थी और इसके बाद पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा एंड कंपनी को अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका पर 7 विकेट से जीत मिली। टीम इंडिया का आखिरी मैच कनाडा से था लेकिन वो बारिश की भेंट चढ़ गया था। भारत के ग्रुप से अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।